आज से एनवायरमेंटल को शुरू करते हैं, ईवीएस को शुरू करते हैं। तो ईवीएस में शुरू करने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा ही होता है, चाहे आपका ही हो, कि सिलेबस क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को सिलेबस पता होगा, लेकिन अगर सिलेबस नहीं भी पता है, जब हम पर्यावरण को पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम उसी अपने कॉन्सेप्ट में पूरे सिलेबस को समझा देंगे। मतलब आपको अलग से ये नहीं करना होगा कि सर इसका सिलेबस क्या है, हमें तो सिलेबस तो नहीं पता है। तो अगर हम यूपीटीटी के दृष्टिकोण से देखा जाए, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पर्यावरण का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा कर दिया गया है और अगली साल से परिवर्तन हुआ है। और इस बार एक हवा चल रही है कि इस बार पैटर्न बड़ा बदलाव होगा, प्रश्न पूछने का तरीका नया होगा, पैसा होगा पेपर। ये बहुत सारी अटकलें आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अफवाहें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीटीटी का इतिहास रहा है कि जब से वो परीक्षा करा रहे हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने परीक्षा के प्रश्न पूछने के पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। यहाँ तक कि नौ हिंदी भाषी राज्य जो है, जहाँ पे पात्रता परीक्षा 2011 के बाद से होती है, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हम अपने आप को ये मान के चलेंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव हो, इसीलिए हम उसको भी ध्यान में रख के पढ़ते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले जब पर्यावरण शुरू करेंगे तो पर्यावरण बहुत सारे सिलेबस में आवास, भोजन, आश्रय, पेड़ पौधे, जीवन, भोजन, इस तरह से पूरा दिया गया है। वो मैं एक दिन के एक घंटे के लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, उसमें बहुत कुछ नहीं है। वो प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्योंकि बचपन से बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उस पर विशेष फोकस न आपको करना है न हमको करना है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। जब और आगे बढ़ेंगे तो आता है पर्यावरण क्या है। वैसे पर्यावरण देखा जाए तो पर्यावरण की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो किसी भी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। या कोई ऐसी परीक्षा है जहाँ ये पूछा जाए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो क्यों याद करके अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। अब आते हैं, पर्यावरण दो होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानवीय पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करेंगे तो प्राकृतिक और मानवीय बड़ा सा अंतर समझ में आता है कि जितने भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार के स्वरूप मिले वे सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे कहने के लिए तो पर्यावरण क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधान आवरण, परिमाने और परिमाने चारों तरफ, आवरण माने घेरा, माने चारों तरफ से घिरा हुआ घेरा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो अब प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार क्या क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही कि प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार क्या है, पर्वत, पठार, नदियां, झील, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीजें ये प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। क्या इसके लिए कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष इसका पेमेंट करता है, नहीं करता, तो क्या है, निःशुल्क उपहार है। आगे इसको पढ़ेंगे हम और लोग। फिर दूसरा आता है मानवीय पर्यावरण। मानव पर्यावरण मतलब आपके सिलेबस में जुड़ गया, आवास, भोजन, आश्रय, रहन सहन, परिवार, मित्र, सिलेबस आगे देख लीजिएगा। ठीक, अब मानव पर्यावरण क्या होता है, जो मानव स्वयं से अपनी, अभी इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण भी आएगा, अपने आप को बचाने के लिए, प्रकृति के अनुकूल रखने के लिए जिनका उपयोग करता, वे सभी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी मानवीय पर्यावरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण से ही मिलकर बनते हैं। जैसे घर बनना, घर कैसे बनते हैं, किसी चीज का भी घर बनेगा क्या उसमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग होगा या नहीं, बेंच, डेस्क, फ्रिज, कूलर, सर फ्रिज कूलर में कैसे, भैया खनिज लगेगा, लोहा लगेगा, वो सब कहाँ से आता है, वो प्रकृति पद्धत निःशुल्क उपहार है। क्या प्रकृति आपसे पैसे लेकर देती है, वो तो हम आप लेकर देते हैं। क्या प्रकृति कहती है जमीन से सोना निकालो हमें पैसे चाहिए, वो निःशुल्क देती है। अगर उसका उपयोग मानो अपने हित में करता है उसे कौन सा कहते हैं, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत। बहुत सारी चीज इसमें आएगी, मतलब जितना आप सोच सकते हैं, मतलब सोच के ऊपर है, क्योंकि आपको क्या, आप कोचिंग इसलिए आते हैं ना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पढ़ने के लिए आप 50-50 रुपए किताब में हमसे अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है, क्या कहता है, कि मानव द्वारा, मानव जितने भी अपने पर्यावरण का निर्माण करेगा किससे करेगा, प्राकृतिक पर्यावरण से ही मिलकर करेगा, माने एक दूसरे को क्या है, वो पूरक है। अब प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटते हैं, उसको भी कितने भागों में, हम दो भागों में बांटते हैं। दोनों भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग जैविक घटक, दूसरा भाग अजैविक घटक। वैसे जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं डायरेक्ट
उसी को पढ़ाता हूँ। पर्यावरण का जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक, वो ध्यान से समझेगा, ध्यान से पढ़ेगा, जिंदगी में दोबारा समझने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैं बेहतर पढ़ाता हूँ वो तब तक नहीं प्रफुल्लित है जब तक आप परीक्षा में स्कोर बेहतर ना करें। मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, लाख गुना पढ़ाता हूँ, और जब पेपर लेते हैं अरे तो उसमें से कुछ पढ़ाया हुआ नहीं है, तो मेरा पढ़ाना रद्द है। आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और आप किसके लिए हमारे पास आए, आपको सिलेक्शन चाहिए। पढ़ने के लिए सब पढ़ा रहा है, पूरा प्रदेश पढ़ा रहा है, पूरा प्रदेश पढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको अपनी सीट पक्की करनी है। तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है जैविक घटक। कौन सा घटक, जैविक घटक, कौन सा घटक, ये जैविक घटक क्या होता है आप लोग बताते रहिएगा। फिर दूसरा आता है अजैविक घटक। ये जैविक घटक क्या है, ये बहुत ही सिंपल भाषा में हम अगर समझाना चाहे, समझना चाहे तो कक्षा 4 या 5 की किताबों में मिलता है। मतलब जिनके अंदर जान पाए जाते हैं, सजीव वस्तुओं को हम जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। अब बताइए सजीव वस्तु कितनी इतनी होंगी, नाम ही नहीं याद होगा, बताइए कितने होंगे, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। उसमें भी पालतू, जंगली, घरेलू, सूक्ष्मदर्शी देखने वाले, नंगी आंखों से देखने वाले, हमसे भी बड़े विशाल का तो बहुत सारे होंगे, उनमें भी प्रजाति भिन्नताएं होंगी। तो हम इसको दो लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या क्या होगा, पहला जैविक घटक में पहला जीव जंतु, क्या क्या समेट दिया हमने, समस्त पृथ्वी पे जितने जीव जंतु आते हैं वे सभी जैविक घटक के अंतर्गत। कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे, ये मैं भी सिलेबस भी पूरा बता दूंगा। दूसरा पादप, जैसे मैंने पादप शब्द का प्रयोग किया, सभी पेड़ पौधे जितने दुनिया के हैं सब इसके अंतर्गत, चाहे जली हो चाहे स्थल पर। अजैविक की पहले बात कर लेते हैं, अजैविक घटक इसमें एक और बना सकते हैं ऊर्जा के स्रोत, लेकिन हम इसी में डिफाइन कर देंगे, एक अलग बनाते हैं ऊर्जा के स्रोत, भूमिगत ऊर्जा, सौर का प्रकाश, लेकिन हम इसी में देख लेते हैं। इसमें अजैविक घटक मतलब एक लाइन में कहना चाहें जिसके अंदर क्या ना हो, मतलब निर्जीव, क्या कह सकते हैं, लेकिन निर्जीव में भी कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे अगर इसे हम कहें मृदा, तो यहां से एक शब्द निकल के आएगा मिट्टी, फिर यहां से निकलेगा अस्थल। समझ में आ रहा, अब इसके बारे में पूरा समझाते हैं और ज्यादा। फिर दूसरा आता है जल, फिर तीसरा आता है वायु, फिर आता है अलग से भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं सूर्य का प्रकाश। अब आते हैं संपूर्ण सिलेबस की भी व्याख्या यहां से हो जाएगी एक एक क्रम से। ठीक, नहीं दिखाई दे रहा आवाज भी सुनाई दे रहा, आवाज भी ध्यान से सुनते रहिएगा और अध्ययन भी अध्यापन का काम भी करते रहिएगा। हमें दिखा रहे हैं मृदा मिट्टी स्थल जल वायु सूर्य का प्रकाश। अब और आगे बढ़ते हैं, मृदा मिट्टी स्थल ये सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। स्थल मंडल माने लिथोस्फीयर। स्थल मंडल किसे कहते हैं, अगला प्रश्न, स्थल मंडल किसे कहते हैं बताया कोई, ये स्थल मंडल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन लिथोस्फीयर। ये पूरे पृथ्वी पर लगभग 29.2% हिस्से में, अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो ये 29.2% हिस्से पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब है क्या ये पूरे पृथ्वी के भूपरपटी पे या वह स्थल जो जली भूभाग से ऊपर उथले हुए भूभाग को या दृढ़ भूखंड को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अब जैसे ही हमारे दिमाग में स्थल मंडल आया तो हमने क्या जाना कि स्थल मंडल ही क्यों नहीं पढ़ना है, अब प्रश्न उठता है तब क्या क्या पढ़ना है। स्थल मंडल में सभी महाद्वीप को पढ़ना है, 7 महाद्वीप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी महाद्वीपों के नाम कंठस्थ होंगे, उनके बारे में कुछ सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल कॉन्टिनेंट, मतलब कि महाद्वीप का सामान्य परिचय हम लोग को पढ़ना है, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना, फिर महाद्वीप पे प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार, उनकी प्रमुख नदियां पढ़नी। सर
पता नहीं सिलेबस में कि नहीं, हाँ सिलेबस में है, पूछा गया है। फिर देखिए सिलेबस की व्याख्या हो रहा है आपका, इतने में पूरा सिलेबस है आपका यूपी टीटी सुपर टीटी का, चाहे जिस परीक्षा बैठेंगे। फिर उसके बाद इस पे नदियां जो बहती हैं, झील। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है भारत का सामान्य परिचय, क्योंकि इसी महाद्वीप में हमारा एक देश है, एशिया महाद्वीप में भारत, तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, भारत का परिचय पढ़ेंगे, फिर भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, नदियां, संधारण, यहाँ के लोग, जनजातियां, नृत्य, भोज्य पदार्थ, कल्चर, प्रमुख मंदिर। फिर उसके बाद मानव के प्रमुख आवास, राज्यों से संबंधित प्रमुख तथ्य, उत्तर प्रदेश विशेष, कहां से, इस स्थल मंडल से भी निकल रहा है, मेला, ये सब कहां से, ये आपको स्थल मंडल, क्यों भारत के मेले पढ़ने, पर वर्ल्ड का मेला नहीं पढ़ना, कौन सा पढ़ना है, केवल भारत का मेला पढ़ना है, मेला निकल कर है। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो इस स्थल मंडल बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अब यहाँ पे मिलेंगी पठार मिलेगा, मैदान मिलेगा, फिर मैदानों की विशेषताएं मिलेगी, फिर यहाँ रहने वाले व्यक्ति जनसंख्या क्या है, फिर पता चला यहाँ पे कानून बनाने के लिए चाहिए, कानून मतलब संविधान, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, माने भारत का संविधान का सामान्य परिचय होगा। अब सिलेबस में देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से संविधान को भी पढ़ेंगे, संविधान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर संविधान पढ़ने के बाद फिर एक बात और ख्याल आई कि भैया हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन के बाद क्या जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत अनुसूची 11 उसको भी पढ़ना है, सिलेबस में रखा गया है। फिर अनुसूची 12 नगर निगम उसको भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका मृदा स्थल मंडल मिलकर तैयार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ भूल चूक हो रहा तो सिलेबस में पढ़ाते समय आ जाएगा। अब आते हैं जल, जैसे जल की बात आती है, जल क्या है, जल से हम जलमंडल पढ़ते हैं, माने हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर क्या है, जलमंडल कैसे कहते हैं, जल कहाँ है, विस्तृत रूप जलमंडल, पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा हिस्से पे क्या फैला हुआ है, जलमंडल। कितना है जलमंडल, कितना है, अगर देखा जाए तो जलमंडल जो है 70.8% ऑथेंटिक बुक्स है, ऐसे है लगभग 71% जल है हमारे पृथ्वी पर, और इस 71% जल के नाते समझ में नहीं आ रहा क्या, 71% जल के नाते हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा नीला ग्रह कहते हैं, अब ग्रह शब्द का व्याख्या हो गया, क्या हो गया, अब ग्रह भी पढ़ना, ग्रह मतलब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, जब इसको पढ़ेंगे पता चला बगल से चंद्रमा भी जाता है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक, उसको पढ़ना है। पता चला ये सौरमंडल का हिस्सा है, सोलर सिस्टम पढ़ना होगा, सौरमंडल पढ़ना पड़ेगा, माने ब्रह्मांड नहीं पढ़ना है। फिर पता चला इसके अड़ोसी पड़ोसी को भी पढ़ ले, तो सूर्य, सूर्य के 8 ग्रह, इनके मतलब हमारा सौरमंडल का सामान्य परिचय भी पढ़ना है, ये भी आपके सोलर में छोड़ गया। अब जल से क्या पढ़ेंगे, जल का विस्तार लगभग 71% है, इसमें भी पढ़ेंगे सभी महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी गर्त मेरियाना ट्रेंच 11005 किसी किताब में 11022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में है, वो पढ़ना है। फिर महासागरों के बारे में पढ़ना है, सामान्य परिचय, यूपीटीडी में 18 प्रश्न भी था यहाँ से, अभी बताएंगे कौन सा प्रश्न था। फिर आगे हम लोग देखेंगे इस महाद्वीप से के बाद जो जलमंडल, इससे क्या लाभ होगा। फिर जलमंडल से देखते हैं जल चक्र निकल कर आएगा, क्या पढ़ेंगे, जल चक्र, क्योंकि हमें जानते हैं पृथ्वी पे 71% भाग पे लगभग जल है और 30% भाग पे लगभग 29-30 मानते हैं, पर क्या है, तो यहां से जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहां से जल वाष्पित होगा और ऊपर उठेगा, और जो वर्षा करेगा, क्या महासागरों में वर्षा होती है, जब यहां से जल वाष्पित होगा तो क्या वर्षा महासागरों में ही होगी, स्थल पर भी होगी। तो जब स्थल पर होगा तो ऐसे भैया महासागर का पानी निकल निकल के स्थल में बरसा होगा, तो महासागर क्या हो जाएगा, उसकी पानी, तो इसके लिए भी एक प्रकृति ने चक्र बना दिया, क्या कि जब वर्षा का जल महाद्वीप पर आएगा, स्थल मंडलों पर आएगा, द्वीपों पर आएगा, तो वह नदी के रूप में, नदी झील के रूप में निकलते हुए फिर जाके महासागर में मिलेगा, वाष्पित हुआ जल ऊपर गया,
वर्षा हुआ फिर गया, इसे हम लोग करेंगे जल चक्र के अंदर, माने वाटर साइकिल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ से एक टॉपिक और आपका, जब साइकिल शब्द का प्रयोग हो गया तब कहेंगे आगे देखते हैं, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चक्र शब्द आ गया तो पढ़ेंगे। फिर इस जल की उपयोगिता क्या है, पूरे पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है, पीने योग्य जल, अब इसे पढ़ेंगे, क्या संपूर्ण 71% जल तैरता हुआ है, तब तो पृथ्वी पे जल का संकट ही नहीं होना चाहिए, जब इतना पानी है। लेकिन यह पानी सभी पीने योग्य नहीं है, लवणीय जल है। अब फिर कहेंगे लवणीय जल क्या होता है, फिर तब मृदुल जल भी होता है, तो मृदुल जल मीठा पानी, मीठा पानी का मतलब क्या है, अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो रसगुल्ला वाला पानी नहीं, मिठाई के साथ पानी नहीं, जिसका पीएच मान 7 हो। अब पीएच स्केल क्या होता है, तो एक होता 7 से 14 और एक होता 0 से 7, एक तरफ होता है अम्ली, एक तरफ होता है क्षारी, और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, माने जो हम आप जल पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। तो क्या पूरे पृथ्वी पर जब इतना जल है तो क्या पीने योग्य नहीं है, नहीं है पीने योग्य। बताते हैं सब उस टॉपिक के बाद में, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि जल तो है इन संपूर्ण जल पीने योग्य, इसमें से भी जो लगभग 97% हिस्सा जो समुद्रों में वो खारे जल के रूप में है, 3% पीने योग्य जल है, इसमें से 2.65% ग्लेशियर में बर्फ के रूप में, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप एक महाद्वीप है, अगर इसको पूरा वर्ल्ड का मैप मान ले तो यहाँ पे व्हाइट कलर की पट्टी है, वही है अंटार्कटिका, वहां पे 3 से 4 हजार मीटर मोटी बर्फ की चादर है। 3000 लोग समझ रहे हैं, 3000 से 4000 मीटर मोटी, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर है, तो सोचिए कितना जल वहां पे जमा होगा। ठीक, अब पढ़ेंगे क्या कि यहां पे जल है, उसके ऊपर अब महाद्वीप के ऊपर आते हैं, अगर महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं ऊपर साइबेरिया तो रसिया में, फिर इधर आएंगे ग्रीनलैंड, पूरा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, यूरोप महाद्वीप ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें से यहाँ पे कनाडा, कनाडा पूरा बर्फ आच्छादित है, फिर ये बर्फ के रूप में, किसके रूप में, फिर जितने बड़े प्रदेश हिमालय वहां भी ग्लेशियर के रूप में, हिमनद के रूप में, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में ढके हुए, हिमालय बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। तो यहां इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जल मंडल, फिर इसमें झीलें पढ़ेंगे प्रमुख, तालाब, नदियां, वर्ल्ड की नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां, जैसे पूछ दिया डार्लिंग नदी कहां रहती है, ये सर ये कौन सी बात है, ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रसिद्ध नदी है मरे और डार्लिंग, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका सबसे प्रसिद्ध नदी है जो पंजा का डेल्टा बनाती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी खाए पिए परिवार से अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। तो ये नदी को हम लोग पढ़ेंगे, और ये नदी जल चक्र में सबसे अहम भूमिका निभाती है। फिर भारत की नदियां पढ़ेंगे, भारत में 2 प्रकार की नदियां पढ़ेंगे, एक पर्वतीय नदियां और एक पठारी नदियां, पर्वतीय नदियों को भी 2 भागों में बांट देंगे, भारत में उद्गम, भारत के बाहर अन्य देश में उद्गम, फिर अन्य देश में उद्गम के बाद आएगा राष्ट्रीय नदी और अंतरराष्ट्रीय नदी। अंतरराष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, वह नदी जो एक या एक से अधिक देशों में, 2 या 2 से अधिक देशों में जो परिवहन करती है उसे अंतरराष्ट्रीय नदी कहती है, जैसे सिंधु नदी 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है, लेकिन भारत में कितनी बहती है, 1114 किलोमीटर। तो भारत निकलती है कहां से, तिब्बत आधिपत्य चीन से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, कहाँ से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, फिर आते हुए भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में, फिर एक तरफ है लद्दाख श्रेणी, एक तरफ है जास्कर, उसके बीच से बहते हुए फिर पहुंचती है पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, माने 3 देशों की लंबी यात्रा करती है। तो कौन सी नदी, अंतर्राष्ट्रीय, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म ये भी अंतर्राष्ट्रीय नदी, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील राकस्ताल के पास तिब्बत आधिपत्य चीन, जब निकलती है उसका नाम क्या होता है, शांगपो, क्या नाम होता है, ब्रह्मपुत्र छोटा सा नाम है, जो बड़का नाम उसका क्या है,
सांगपो, उसके बाद पैदल आते आते भारत में घुसती है। भारत में कहां से घुसती है? अरुणाचल प्रदेश के पास। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश टेट 2016 से प्रश्न पूछा था, यूपी टीटी 2016 से प्रश्न आया था, आपको याद होगा कि दिहांग नदी किस नदी का उपनाम है, दिहांग नदी किस नदी का उपनाम है। तो अगर इसको मैप में ड्रा करें तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा, ये यूपी टीटी का पूछा प्रश्न है 2017 का जो हुआ था टीटी, उसमें ये पूछा गया था। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माना भारत है, ठीक काम चला भारत है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सुधारेंगे, टाइम लगेगा, माना ये भारत है। तो यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी, तो ब्रह्मपुत्र निकलने के बाद यहां आती है, जैसे भारत में घुसती है तो भारत में घुसती है तो हिमालय मिलता है, हिमालय को काटती है। अभी आगे जब नदी पड़ेंगे तो देखेंगे किसको काटेगी, हिमालय को नदी काटती है। जब हिमालय को काटेगी तो गार्ज बनाती है, गार्ज या कैनियन। ये गार्ज कैनियन क्या होता है? अब नदियां वी आकार घाटी बनाती है, कल्पना करिए नदी बहती है क्या करती है, ऊपर तो चौड़ा करती है लेकिन नीचे जाने के बाद क्या होती है, इस तरह से गहरा करती है। तो कौन सी घाटी होती है? वी आकार की घाटी। एक प्रश्न आपका तैयार। लेकिन जब यही नदी वर्फ बन जाती है तो क्या हो जाती है? यू आकार, क्योंकि वर्फ का आयतन बढ़ जाता है ना, तो चौड़ा कर देती है। तो यही ये नदी बनाती है वी, और हिमनद बनाती है यू आकार की घाटी। तो यहां पे जब प्रवेश करती है तो क्या बनाती है? गार्ज या कैनियन। एक प्रश्न पूछा जा चुका है अपर टीटी में कि गार्ज कैनियन किससे बनता है? नदियों द्वारा। नदियां क्या आती है? पर्वतों को भी काटती है। तो यहाँ पे हिमालय क्या करती है? काटती है। और जब काटती है तो एक गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज, दिबांग या दिहांग। तो यहाँ पे इस सांगपो नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी। और भारत में प्रवेश करती है, यह यूपी टीटी 2017 का पूछा प्रश्न है। ठीक, दिहांग नदी किसका नाम है? तो ब्रह्मपुत्र का नाम है, अभी इसे ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा। फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक बहती है। तो जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, इसका नाम जैसे खेत से निकला गेहूं पिसा गया तो आटा, गूंथ दिया तो बना दिया, पका दिया तो रोटी, और वही आटा से बन गया ब्रेड, और उसमें लगा दिया बेसन बन गया क्या, ब्रेड का पकौड़ा। वैसे ये भी है, मतलब थोड़ा सा स्थान परिवर्तन, नाम बदल गया। अब दिहांग नदी, यहां से दिहांग नदी और आगे जाएगी, फिर नाम बदल जाएगा, फिर जमुना हो जाएगी। कौन सा? जमुना। फिर आगे जाएगी ब्रह्मपुत्र, क्या नाम हो जाएगा? फिर और आगे जाएगी तो मिल जाएगी किससे? अपने पद्मा से। पद्मा किसका नाम है? गंगा का। गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? फिर पद्मा मिल जाएगी, फिर मेघना हो जाएगी। माने इतने नाम है किसके? ब्रह्मपुत्र के। उद्गम स्थल क्या है? अब कितनी देश की यात्रा की? एक देश, दो देश, तीन देश। तो ये कौन सी नदी होगी? अंतरराष्ट्रीय नदी। क्या भारत में भी कोई ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी हो, जिसका उद्गम भारत में हुआ? अरे अपनी गंगा। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, फिर वहां से पैदल चलती है, फिर उसके भी कई नाम है। पहले निकलती है तो भागीरथी, याद रखिएगा, जब गंगा पैदा होती है भारत में तब उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। और जब बेचारी भारत में अपना कदम छोड़ देती है तब भी उसका नाम होता है, मतलब पैदा होते और मरने से पहले या तीर्थ यात्रा करने से पहले दोनों बार उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। अभी बाद में जब नदी पड़ेंगे तो देखेंगे किधर किधर से आती है, कौन सी दाहिने से मिलती है, कौन बाएं से मिलती है, कहाँ कौन कौन सा प्रयाग बनता है। फिर जो हरिद्वार पहुंचती है उसका नामकरण हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? फिर गंगा 2525 किलोमीटर, कितनी? 2525 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। अच्छा एक बात और, गंगा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो गंगा 5 राज्यों से होकर, इसमें सबसे लंबी दूरी अपना प्रदेश, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश में तय करती है। और सबसे कम दूरी झारखंड में, थोड़ा सा दूरी करती है। ठीक, उसके बाद पैदल पहुंचती है कहां? ये पश्चिम बंगाल में। जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो इसका बुढ़ापा आ जाता है, तो ये दो पितृगांव में टूट जाती है। एक का नाम होता है भागीरथी, दूसरी गंगा का नाम हो जाता है, एक हो जाता है जिसपे कोलकाता बसा है, किस नदी किनारे कोलकाता बसा है? हुगली। एक धारा का नाम हो जाता है हुगली और दूसरी धारा हो जाती है गंगा, और वही गंगा के नाम बदल जाता है क्या? भागीरथी। अब ये भागीरथी पैदल पहुंच जाती है कहां पे?
बांग्लादेश में कहां पहुंच जाती है? और बांग्लादेश में पहुंचती, इसका नाम बदल क्या हो जाता है? क्या होता है? क्या नाम हो जाता है? याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, पद्मा हो जाती है। फिर पद्मा और आगे बढ़ती है, फिर पहुंचती है कहां? यहीं से एक बराक नदी मिल जाती है, एक नदी और मिल जाए बराक, उसके बाद फिर आगे जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आते हैं, दोनों का मिलन होता है, फिर नाम बदल जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है क्या? मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। और फिर मेघना और आगे बढ़ती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अब इसे सुंदरवन क्यों कहते हैं? यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और ये आर्द्रभूमि क्षेत्र में आता है, ये भी आपके सिलेबस में है। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये भी आप प्रश्न रट्टा मार लीजिए, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जुड़े हुए हैं। ठीक, फिर आते हैं ये टॉपिक को, और इसमें एक शेर पाया जाता है हमारे यहाँ, बाघ। शेर अलग होता है, बाघ अलग। शेर को क्या होती है? दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाला देखे ना, और बाघ को दाढ़ी नहीं होती। जो बाघ होता है यहाँ पे पाया जाता है, उसको पेंट कराया जाता है, जैसे दीवार पेंट होता है। तो उस बाघ की खासियत है, उसके पीठ पर सफेद कलर की पट्टी होती है, इसे हम कहते हैं बंगाल टाइगर। क्या कहते हैं? ये केवल सुंदरवन में ही पाया जाता है। कहाँ पे? सुंदर। अब सीटेट प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जानवर है जो हवा के चलने की गति को ये जान जाता है, ये किसी जंतु द्वारा गतिविधि है या प्रकृति के हवा के द्वारा गतिविधि चल रहा है? तो कौन सा जानवर है? बाघ की मूछे। मूछ जानते हैं, वह मूछे से पता लेता है कि जो हिल रहा है सरसराहट वाली पत्तियों की, ये किसी जानवरिक गतिविधि से या हवा गतिविधि से, ऐसा सीटेट का पूछा प्रश्न है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको इस प्रश्न से मुलाकात हुई होगी। तो हमने ये देखा, इस तरह से पढ़ना, जल में सभी नदियां जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि नदियां आतंक मचाती हैं, जैसे आतंकवादी आपने सुना है, नक्सलवादी सुना है, ऐसे नदियों का भी आतंक होता है। ये नदियां कैसे आतंक मचाती हैं? नदियां मचाती हैं, कैसे मचाती हैं? अरे भगवान, जैसे अभी देख लेते हैं, बिहार में देख ले, बिहार में को शोक कहते थे कोसी को। कोसी कहाँ निकलती है? यहाँ से, नेपाल से। जब नेपाल से हनुमानगढ़ी से निकलती है, नेपाल ऊंचाई पर है, कहाँ पे है? और ये कौन सी नदी है? ये पर्वतीय नदियाँ, तो ये सतत वहाँ नहीं रहती, इनके नदियों में साल भर जल रहता है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो पैदल जाती रहती हैं। जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम आता है, जब वर्षा ऋतु आती है, तो पता है क्या होता है? पूरे हर जगह का पानी नदियों में जाता है। और जब नदियाँ पहुँचती हैं पहली बार बिहार में, तो उसे मैदान मिलता है, कहती है खूब बढ़ो, और खूब क्या होती है? खूब चौड़ी होती है, और पूरा बिहार। और एक खासियत और इसकी, ये हमारे भारत की एक इसकी खासियत और, ये रास्ते बदलने के लिए विख्यात है। रास्ता बदलना क्या होता है? यहाँ से 3 प्रश्न आपका बन चुका है, अब ये भी पूछ चुका है अपर प्राइमरी UPTET में। एक होता है विसर्पित नदी, जिसे मेंडर कहते हैं, और एक होता है गोखुर झील। दोनों देख लेते हैं। जैसे ये नदी बह रही है, नदी ऐसी ही बहती है ना, इधर से बाहिए चाहे उधर से बाहिए, आपकी मर्जी, चित्र आपके सामने ड्रा हो गया। इस तरह की जो नदियां होती हैं, ये सांप की तरह दिखता है, कीड़ा जानते हैं ना आप लोग, सांप की तरह, इसलिए इसे विसर्पित नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया, विसर्पित नदी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में मैंडर भी कहते हैं। और यहीं से जैसे पानी तेजी से बारिश हुआ, अब नदी बह रही है आपकी, बहने के बाद क्या करती है? कभी यहाँ से धारा यहाँ टकराती है, इसको तोड़ देती है, और फिर यहीं से क्या होती है? एक नई धारा का, और जाके फिर यहाँ मिल जाती है, फिर अपना पैदल क्या होती है? आगे। तो ये स्थान क्या होता है? तो ये क्या? रास्ता बदल दिया। तो भारत में रास्ता बदलने की कौन सी नदी विख्यात है? कोसी। अब क्या होता है? तब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से झूठ पानी रह जाएगा, ठीक, और नदी क्या होगी? धारा। तो ये झील बन जाता है, इसे कहते हैं ऑक्स लेक या गोखुर झील कहते हैं। ये पूछा क्वेश्चन है, इसे कहते हैं गोखुर, गो माने गैया, और खुर माने जो टंगिया उसका होता है निचवा वाला, तो गोखुर खुर की तरह दिखता, इसे कहेंगे गोखुर मियांडर, गोखुर झील। कौन बनाती है? कोसी नदी। अब ये जब पहुंचती है पहली बार मैदान में, तो खूब चौड़ा करती है, पूरा बिहार डुबा लेती है। और जिसे रास्ता बदलने के लिए विख्यात है, तो मैंने पहले बताया, रात को खटिया लगा के सोए हैं बिहार में, और सुबह हो रहा है तो देख रहे हैं कहाँ है, पानी कैसा लग रहा है, तो खटिया कहाँ है? बह रहा है। इसलिए यह नदी रास्ता बदलने के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। किसने? भारत में। और दुनिया में हवांग हो चीन की नदी है जो रास्ता बदलने के लिए, वह भी विसर्पित नदी है, खूब मेंडर बनाती है, तो रास्ते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिहार का। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं को, दामोदर को। कहाँ से निकलती है? पठार से निकलती है। किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। अब प्रश्न उठेगा, छोटा नागपुर कहाँ है? नागपुर है महाराष्ट्र में, और छोटा नागपुर के पठार कहाँ है?
झारखंड में। अब बीचों बीच से निकलती है, कहां से निकलती है? भ्रंश से निकलती है। अब भ्रंश क्या है? भ्रंश शब्द आ गया तो भारत की तीन नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, कौन कौन? नर्मदा, तापती और आपकी दामोदर। दामोदर कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, माने झारखंड से। पठार में जो नदियां पठार से निकलती है वो सतत वाहिनी नहीं होती, वो गर्मियों में सूख जाती है, यदा कदा थोड़े बहुत जल है। और बरसात जब आता है तो पूरे झारखंड का पानी कहां जाता है? और नदी बेचारी जब तक, अच्छा पली जानी भ्रंश क्या होता है, उबतो नहीं रहे ना आप लोग कि बहुत टॉपिक से भटक रहे हैं। एक तरह से इंट्रोडक्शन ही मान लीजिएगा, सिलेबस ही पूरी व्याख्या हो जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बन रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। ये स्थान कभी यहां रहता था, ये इधर खिसक गया, ये इधर खिसक गया, बीच वाला स्थान कहां चला गया? नीचे आ गया। इसे कहते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं, इसी कहते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। तो इसी में से जो नदियां बहती, तीन नदियां, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा ताप्ती उल्टी बहती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, और ये कहाँ जाती है अभी देखेंगे, ये बंगाल खाड़ी में जाएगी। तो ये नदियाँ बहुत ज़्यादा बाहर टॉपिक से हट गए, चलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। कौन सी वैली? भ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को मामला क्लियर हो गया। ये ऊपर गए, नीचे गए, तीय स्थान यहाँ तल के खसा के कहाँ गया? एक पहाड़ पर्वत जानते हैं, एक पर्वत होता है झूठा पर्वत होता है, कौन सा पर्वत? झूठा, खाने वाला नहीं, झूठा। ये झूठा पर्वत नाम सुना कभी? जैसे पर्वत मतलब ऐसे खड़े होते हो ऊपर दिखा, हाँ यह बहुत ऊंचा पर्वत है, ठीक। कभी कभी आप खड़े हो जहाँ आपका घर हो, वो घर नीचे बैठ जाए, क्या हो जाए? जब ऊपर देखेंगे यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लिया यहाँ कोई मने ही खड़ा हो गया, देखो इसको क्या दिखेगा बेचारा? जब यहाँ था तो मैदान था, यहाँ पे था ये, तो एक मैदान था, अगल बगल क्या था? जब नीचे आ गया तो ऊपर देखे क्या होगा, क्या दिखेगा उसको? तो इसे कहते हैं झूठा पर्वत, माने रिफ्ट वैली से। माने पर्वत कैसे बनते हैं? कोई स्थान ऊपर उठ जाए, लेकिन जब आप ही नीचे चले जाएंगे तो बगल वाला स्थान क्या हो जाएगा? अपने आप। इसे हम झूठा पर्वत भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा, ये जल को पढ़ेंगे तो इतनी तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसको रोकने के लिए कई डैम बनाए गए। अब ये निकलती है कहां से? फिर जाती पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मैदान मिलता है, पूरे पश्चिम बंगाल में फैल जाती है, तो धान की फसल बर्बाद हो जाती है, इसे बाढ़ आ जाते हैं, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसे बाद में पढ़ेंगे, फिर इसमें डैम बनाएंगे, 10-10 डैम बना लिए गए, अब तो बहुत कम होता है। अभी तो आपका बनारस जहाँ पर इस समय हम हैं, ये भी चपेट में आ चुका है, वाराणसी भी चपेट में तो आ गया है बाढ़ के, क्या करेंगे? बारिश हो रही है तो स्वभाव से है। ये हो गया एक बार जल टॉपिक, ये पिछले सारी चीज़ें पढ़ेंगे दोबारा। फिर अगला आता है वायु। जैसे वायु शब्द का नाम आएगा वैसे हमारे मन में आ जाता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन एटमॉस्फेयर? किसे कहते हैं? हाँ, पृथ्वी को चौथ से कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बन गया कि पृथ्वी के चौथ वायुमंडल कैसे है, क्यों है? एक पहला प्रश्न आपका यही बन गया। अगर किसके नाते है पता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होता तो क्या होता? कल्पना करिए, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होता तो सभी पहले पैदा होते तब तो उड़ते, वायुमंडल ही ना होता। और जब वायुमंडल ना होता तो चंद्रमा जैसा होता। चंद्रमा जैसा मतलब ऐसे हम बोल रहे, आप सुन पा रहे हैं ना, वायुमंडल की वजह से। चंद्रमा पर अगर एक व्यक्ति बोलता दूसरा सुन, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है इसलिए क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होती तो वायुमंडल ना होता। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? ये तो परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के प्रमुख संगठन। वायुमंडल बना कैसे है? तो वायुमंडल कैसे बना है? नहीं, तीन चीजों से मिलकर बना है, गैसेज और धूल कण, डस्ट, वाटर वेपर्स, जलवाष्प। इन तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन चीजों, तीनों के काम है अपने अपने।
ऐसा नहीं है कि जलवा से कोई काम नहीं, धूल का कोई काम नहीं, हवा का कोई, फिर गैसेज किसे? एक छोटा सा प्रश्न आएगा, आप बताइएगा जलवाष्प किसे कहते हैं? जलवाष्प किसे कहते हैं? चलिए बैठ जी, सही है। सीटीटी का पूछा प्रश्न था, प्राथमिक अध्ययन का अध्यापक होते हैं और बच्चों को इकट्ठा करके कटोरे में पानी गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है और बच्चों से सवाल पूछते, बच्चे निम्नलिखित जवाब देते हैं कि पानी कटोरा पी गया, पानी भगवान पी गए, पानी उड़ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब से आप क्या करते हैं? ये सीटेट का पूछा प्रश्न है, हमने भी आपसे पूछ दिया, आप बताइए जलवाष्प किसे कहते हैं? बैठ के बताइए, आप लोग खुद अध्यापक है अपने आप में, बस खाली मुहर लगना है सरकारी। हाँ बताए, बहुत सारे प्रश्न पता होता ही नहीं, बताए कैसे? पानी 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 जब गर्म होता है तो ऊपर पीछे बताइए, जल का गैसी रूप में बदलना जलवाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का गैसी रूप में बदलना, और यह वायुमंडल में इसकी उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। यही संघनित होती है तो फिर वर्षा के रूप में। अच्छा, वर्षा की बूंदें गोली क्यों होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण, इसी कारण पृष्ठीय। अच्छा, वर्षा होती है तो पानी भी गिरता है, कभी वर्षा होती है, कभी हिमपात पड़ता है, कभी ओला होता है। ओला और हिमपात में क्या अंतर है? कोई अंतर है? क्या अंतर बताएं? सर, जलवाष्प के रूप में जो नीचे आता है वो हिमपात। एक छोटा सा जवाब दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आप इस ब्रिजेश से शुरुआत कर, ब्रिजेश ने काफी मदद की है, बनारस से ब्रांच का हमारा लग पाया है और ये बनारस में हम आज हैं, काशी नगरी में इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो ब्रिजेश जी हमें बताएं कि आप हमें एक किलो रुई से मारे, रुई जानते हैं ना आप लोग, और हम आपके एक किलो बटखरे से खींच के मारे, सर किसका फूटेगा? आपका या मेरा? हम मारेंगे और आप रुई से मारेंगे, दोनों का वेट 1 kg होगा। जल्दी बताइए काहे, जब दोनों का वेट 1 kg है, सर आपका क्यों फूटेगा? घनत्व, डेंसिटी, ये सेम डिफरेंस है ओला और हिमपात में। ओला की डेंसिटी ज्यादा होती है, सर फूटेगा तो सर फट जाएगा, जबकि जो हिमपात होती है उसकी डेंसिटी कम, और रुई की फुहे की तरह होता, खींच के मारे कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा जब लोग सैलानी घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे बर्फ गिरती है, ठीक, आप लोग भी अध्यापक होंगे, आप लोग भी जाएंगे, अभी हम बताएंगे भूगोल में कि किस मौसम में आपको जाने लगे, कब हिमपात पड़ेगी, अभी जब पढ़ाएंगे आगे जब मौसम तो वहाँ बता देंगे, ठीक। तो हमने क्या देखा वहाँ पे कि हिमपात, ओला, ये सारी चीज़ें देखें। तो ये जल को पढ़ना है, जल में बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी है, नदियाँ पढ़नी है बात की, फिर अच्छा वायु पढ़ रहे थे, भूलते बोलते, फिर वायुमंडल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के प्रमुख परतों में बांटा गया, अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ परतों में बांटा गया, तो 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। वो परतें कौन कौन सी है? ये हमारे पृथ्वी के पास चारों तरफ वायु का घेरा है, लेयर है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से रुका हुआ है, सब रटा रटाया है, पढ़े होंगे आप लोग बचपन से, पढ़ते आ रहे होंगे। उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ये क्षोभ मंडल क्या है? एकदम एक लाइन में जवाब, पृथ्वी के सबसे पास का मंडल जो है क्षोभ मंडल है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मत सोचिए कि सर पढ़ाई खत्म कर दी, ये तो बस इंट्रोडक्शन देना है अपने टॉपिक का। क्षोभ मंडल पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल में क्या है? क्षोभ मंडल में भैया मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं सब इसी मंडल में होती है, जैसे वर्षा होना, तूफान आना, ओला पड़ना, हिमपात पड़ना, धूप खिलना, मतलब जितनी भी होती है, कोहरा पड़ना, जितनी भी बिजली कड़कना, बिजली का चमकना, बादल बनना, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं घटती हैं सब। अच्छा, एक बात और है, कॉमन सा प्रश्न है, आप इसे पूछ लेते, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाए, ऊपर समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ बढ़े, सूर्य की तरफ, तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? सही, बढ़िया, आप पीछे बताइए कैसे? कितना पॉइंट? अच्छा, जो जो हम धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यदि हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं 165 मीटर, तो रिजल्ट क्या मिलता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। 1650 मीटर अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। अगर 1000 मीटर जाएंगे तब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक? केवल क्षोभ मंडल। कहाँ तक? ये उसके ऊपर फिर नियम बदल जाएगा, फिर समताप मंडल, उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन पद को पढ़ेंगे, वहाँ से सब फिक्स प्रश्न आते हैं, वायुमंडल से फिक्स प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इस बार भी था, पिछली बार भी था। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मध्यमंडल,
आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी मंडलों के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या इनकी विशेषता है। सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या है? कल्पना करिए यदि सूर्य का प्रकाश ना होता तो क्या होता? पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता, अस्तित्व नहीं, पूरे पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। ये जो अनोखा ग्रह है ना, ये खतरनाक ग्रह कहलाता है। जो कहते हैं ना अमेजिंग प्लेनेट, ये एक अनोखा ग्रह है क्योंकि इस पे जीवन है, ये नीला ग्रह है, तो ये सब खत्म हो जाता। ठीक, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर इसको पढ़ेंगे कैसे है, फिर आगे आते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जैविक घटक। पूछ ली सूर्य जो है पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, अदर ग्रहों के लिए भी क्या ये कंडीशन है? सबके लिए, बस फर्क इतना है जल की उपलब्धता। अभी वही देखने जा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। अब आएंगे जीव जंतु। जैसे जीव जंतु शब्द का प्रयोग किया, दुनिया के समस्त जीव जंतु इसके अंतर्गत आ गए। दुनिया के समस्त जीव जंतु इसके अंतर्गत क्या आ गए? दुनिया, समझ रहे ना, पूरी दुनिया के जीव जंतु आ गए। एक बात, दूसरी बात इसकी विशेषता क्या है? इन सभी जीव जंतुओं को पढ़ेंगे, इसमें भी कई प्रकार के। पहला तो क्यों निकल जाएगा, सबसे खतरनाक प्राणी, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी का नाम जानते हैं आप? मनई। मनई कहते हैं मेहनारू भी आते हैं, मतलब मानो, मतलब पढ़ना इन्हीं के लिए है। ये सब अभी पर्यावरण में सबसे अहम भूमिका इन्हीं की होगी। अब पढ़ेंगे मानव, फिर मानव के बाद पढ़ेंगे जंगली जीव, फिर जलचर, नभचर, उभयचर, फिर इसमें भी जंगल में रहने वाले, घर में रहने वाले, फिर इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फिर मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा इनकी संख्या लगातार कम होगी, फिर उनके संरक्षण की व्यवस्था, तब राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य, जय मंडल राष्ट्रीय क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर पता चला कि अभी इनकी मरोड़ रहे कैसे, रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, फिर वास्तविक तंत्र का पिरामिड क्या है, फिर पता चला ये पादप है, ये पेड़ पौधे हैं। पादप कहते हैं दुनिया के समस्त पादप आ गए, पेड़ पौधे सभी, चाहे वो जंगल में हो, पर्वत पर हो, चाहे नदी में हो, चाहे नाला में हो, सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब इनको भी पढ़ेंगे, समस्त पादपों को पढ़ेंगे, फिर पादप पढ़ने के बाद पढ़ेंगे उपभोक्ता है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी अगर पादप ना होते तो पृथ्वी पर जीवन, इनको भी पूरा पढ़ना है। फिर पादप को पढ़ने के बाद इनका क्रम देखेंगे, ये इससे एक दूसरे से संबंधित है, इन दोनों के बीच के जो आंतरिक संबंध है उसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उनको पढ़ने के बाद और चीजें बाहर निकल कर आएंगी, ये कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कैसे इनको खतरा है, तो पता चला प्रदूषण, प्रदूषण पढ़ेंगे। फिर प्रदूषण कैसे पढ़ेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फिर देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वास्तविक पिरामिड कैसे बढ़ता, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है एक ही दिन में सब पढ़कर खत्म कर देंगे। तो अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई सवाल रहा हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कोई हमारे सब्जेक्ट से आपको छूट है पूछने की। ये ऐसा मत करिए कल से प्रश्न ही खोज कर लाइएगा अगर ये ऑफर देते हैं, क्योंकि हमें क्या रहना है, आपके एरिया में रहना है, यूपीटीटी 2019 के इर्द गिर्द ही रहना है, तो ये पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी पीएचडी कर डालते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, सबसे पहला काम सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन ले लिए पढ़ते रहिए पूरे जीवन का, और हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और हम ग्रंथ नहीं लिखवाते। इस बात को हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे, कुछ लोग इससे ऐतराज़ करते हैं कि बहुत सारे टीचर आते हैं ऐसे किताब रखते हैं पोथना पढ़ते हैं, यार वो पढ़ने के लिए तो 20-20 रुपए किताब बाजार में अच्छी अच्छी मिलती है 50-50 की, तो इतनी दूर से सुबह उठकर आप यहाँ क्यों आते हैं? आप तो इसीलिए आते हैं कुछ बेहतर मिले, कुछ लेक्चर मिले, मतलब अध्यापक खुद खोज कर लाए, गुण चीजें लेकर आए, जो परीक्षा पूछे थे वो आपको पता है। किताब छपवाना तो बाजार में बहुत सारे यहाँ से शुरू करेंगे, हाथ पर पकड़ ले जाएंगे, आइए हमारे यहाँ, तो वो नहीं पढ़ना, हमको क्या लेना है, क्योंकि चयन उन्हीं का होगा, 40,000 का ही होगा, किसका, पढ़ने के लिए पूरा प्रदेश पढ़ रहा है, 10-10 लाख लोग आपके साथ बैठेंगे, लेकिन अंतिम रूप से चयनित कौन होंगे, तो 40,000 सबसे बेस्ट होंगे, वही चुनकर जाएंगे कहां, प्राथमिक विद्यालय में, बाकी सब क्या होंगे, फिर टीडी की तैयारी करेंगे, सुपरटीडी फिर पढ़ेंगे। तो ये आपके रेस की सेमीफाइनल मैच है, कौन सा, टेट, उसके बाद फाइनल मैच है, अगर इसमें आप होंगे तो फाइनल खेलने का मौका आपको नहीं मिलेगा, और अगर जिंदगी इंग्लैंड बननी होगी तो भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक, अब आप अपना बेहतर दीजिएगा, हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे, कुछ नहीं पढ़ना है, पर हमें गारंटी है आप 25+ करके आएंगे, केवल लेक्चर सुन लीजिएगा, और 25 लेक्चर में संपूर्ण पर्यावरण हम खत्म कर देंगे, उसमें संविधान, मेला,
जल, नदी, नाला, पर्वत, पठार, गढ़ा, गुड़ोई सब खत्म कर देंगे, ठीक, कुछ नहीं बचेगा। केवल ध्यान जो पढ़ते समय एकदम यहाँ रखिएगा, स्पीड थोड़ी सी तेज रही होगी। मामला ये किताब से नहीं पढ़ाते, नकल मारना तो है नहीं, क्योंकि वो तो कोई भी पढ़ा सकता, आप भी पढ़ा सकते हैं, खड़े हो, किताब से वाचना है, लिखो, पहुँचते ही शुरू हो जाओ। तो ऐसा हम लोग को पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक एक करके करेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई नहीं है, नहीं डाउट है। चलिए तो आप एक प्रश्न भी छोड़ते हुए जाते हैं, गैसेज में गैस किसे कहते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक। वायुमंडल पढ़ा, उसमें गैस नहीं बताया था ना, गैस किसे कहते हैं, आप जवाब दीजिएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप सब जवाब दीजिएगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुँच जाए। और ये आज बनास में पांडेपुर में शुरुआत किया, और इसकी पहली वीडियो जो आपको मिल रही है, इसी क्रम से पैरेलल लगातार मिलती रहेगी, आप चिंता नहीं, क्योंकि हम एक साथ दो काम करते हैं, हम क्लास की वीडियो शूट कर लेते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे टीचर आप देखे होंगे बोर्ड पर लिख देते हैं, जितना लिखते हैं उतना पढ़ाते फिर वीडियो पोस्ट, लेकिन हम ऐसे चलते हुए क्लास में वीडियो बनाएंगे आपको देंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन देखेगा तो उसके पास भी समस्या होंगी, जैसे इन्होंने पूछा कोई क्लास क्वेश्चन, तो व्यक्ति के मन में तो समस्या होंगी, तो क्लास की वीडियो देने से एक फायदा ही होता है, जो आपकी समस्या होंगी वो घर बैठा जो है उसके पास भी तो समस्या होंगी, इसलिए मैं क्लास में ही शूट करता हूँ। और ऐसा वीडियो पूरे प्रदेश में कोई नहीं बनाता, क्यों, सब डरते हैं कि लड़का क्लास क्वेश्चन मार दिया तो बेइज्जती नहीं, घोर बेइज्जती होगी, ठीक। तो बेइज्जती से अच्छा ये कि बेहतर कंटेंट देना, कोई क्लास क्वेश्चन आप लोग के मन में कुछ भी नहीं है, सब डाउट क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें, हम अब आ गए हैं आपके शहर महाराष्ट्र में, ठीक।